वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम आईईसी का नया टॉपिक सिंगल फेस फुल्ली वेव कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें एक सिंगल फेस पावर सप्लाई का यूज़ किया गया है। ठीक है, जिसमें कि हम एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल में कंट्रोल आउटपुट प्राप्त करते हैं। ठीक है, कंट्रोल आउटपुट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दो SCR का यूज़ किया गया है। ठीक है ना, एक SCR1 और दूसरा है आपका SCR2 तथा लोड सेंटर टैप, यहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है। ठीक है ना, और यहाँ लोड रजिस्टिव लगाया गया, रजिस्टिव लोड लगाया गया जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। ये देखिए, इसका नोट्स भी बना हुआ है, इस नोट्स को भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है। सबसे पहले एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पूरा कह लीजिए इस तरीके से एसी है, पहले एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मीन्स कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, है ना। पॉजिटिव होने के कारण ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से साइन से दिखाया गया। इस समय SCR1, ठीक है, इस समय SCR1 फॉरवर्ड बायस में होंगे, लेकिन SCR2 रिवर्स बायस में होगा, है ना। SCR1 फॉरवर्ड बायस में तो होंगे लेकिन टर्न ऑन नहीं हो पाएंगे, तो टर्न ऑन करने के लिए हमें SCR1 के गेट पर अल्फ़ा डिग्री एंगल पर फायर करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग SCR के गेट को अल्फ़ा डिग्री पर फायरिंग एंगल फायर करते हैं तो SCR1 टर्न ऑन होता है और उस समय इसके थ्रू करंट फ्लो होने लगती है और करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है। ठीक है, और ये आपका रिवर्स बायस में रहता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है ना। और करंट I0 की बार जो करंट हमें आउटपुट में मिलेगा वो V0/R रहेगा, और इसका भी वेव फॉर्म बिल्कुल आउटपुट वोल्टेज का जो वेव फॉर्म आएगा उसी की सेम, उसी की तरह होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएंगे। नेक्स्ट हाफ साइकिल का मतलब समझ लीजिए कि ये वाला है ना, पूरा एक पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ चलता है, जीरो से लेकर के पाई तक, यहाँ यानी कि ये तो पाई हो गया ना, जीरो से लेकर पाई तक हो गया आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक 2π तक हो गया आपका नेगेटिव हाफ साइकिल, जिससे कि एक कंप्लीट साइकिल पूरी होती है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आप देखोगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में अब मैं बताती हूँ होता क्या है नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में। ये आपका नेगेटिव हुआ और ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये यानी कि ये भी नेगेटिव होंगे, तो ये आपके पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव होंगे और ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। उस केस में आप देखिए SCR2 फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि P को पॉजिटिव पोटेंशियल मिल गया ना, इसके कंपैरिजन हाई पोटेंशियल, तो SCR2 आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, लेकिन SCR1 रिवर्स बायस में होगा, यानी कि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव होगा। ठीक है, SCR2 फॉरवर्ड बायस में तो हो गया, लेकिन ये टर्न ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए गेट टर्मिनल भी लगे हुए हैं, और SCR2 तब तक टर्न ऑन नहीं होता है जब तक कि उस पर हम लोग गेट पर कोई सिग्नल नहीं देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पाई प्लस अल्फा डिग्री पर SCR2 को गेट सिग्नल देंगे, जिससे कि SCR2 आपका टर्न ऑन हो जाए, है ना, और SCR1 आपका ऑफ रहता है। तो इस समय हमें आउटपुट करंट, इस समय जो हमें आउटपुट करंट फ्लो होती है तो ये यू फ्लो होगी। ठीक है, इसमें आउटपुट करंट ऐसे मिलेगी और हमें आउटपुट में वोल्टेज भी प्राप्त होता है। ये देखिए बच्चों, सारे बच्चों इसका नोट्स आप लोग बना लें। देखिए मैंने यही सब लिख के समझाया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान SCR1 फॉरवर्ड बायस में और SCR2 रिवर्स बायस में होता है। इस समय SCR1 को टर्न ऑन करते हैं, जिसके लिए हम SCR1 के गेट पर अल्फा डिग्री एंगल पर गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं। इस समय आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है, लोड करंट यानी I0V0/R का वेव फॉर्म वोल्टेज वेव फॉर्म के सेम होता है, पाई एंगल पर SCR1 के थ्रू फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि जैसे ही पाई आ जाता है, यानी यहाँ पर पाई पर क्या होती है, करंट अब बिल्कुल जीरो हो जाएगी और SCR1 आपका क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान SCR2 फॉरवर्ड बायस में होता है जबकि SCR1 रिवर्स बायस में होता है। अब देखिए इसी चीज़ को समझने के लिए हम देखिए वेव फॉर्म के थ्रू दिखा रहे हैं। वेव फॉर्म है ना, ये देखिए सोर्स वोल्टेज है, AC सप्लाई मिल रही है,
ये जीरो है, जीरो से लेके पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पाई से लेके टू पाई नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर टू पाई से लेकर के थ्री पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना। इस समय आपका एस सी आर वन, इस समय आपका एस सी आर वन क्या होगा, टर्न ऑन रहेगा है ना। तो एस सी आर वन टर्न मतलब एस सी आर वन फॉरवर्ड बायस में होगा, सॉरी। बट अल्फा डिग्री एंगल पे हम लोग क्या करते हैं, एस सी आर को यहाँ ये वाली सिग्नल मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि टर्न ऑन हमने अल्फा डिग्री पे किया है ना। तो अल्फा डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, एस सी आर वन को टर्न ऑन करेंगे तो यूँ इस तरीके से पाई तक हमें वेव फॉर्म मिलेगी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और उससे मैं ये सोर्स करंट है कि जब आपका ये पूरा इस तरीके से सोर्स करंट मिल जाएगा है ना। और यहाँ पे देखिए ये इसमें एक डॉटेड लाइन भी दिखाया गया है। देखिए डॉटेड लाइन क्या दिखाता है, करंट को, यानी कि आई नॉट की भी वैल्यू इसी में दिखा दी गई है। और उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो सेम है, वेवफॉर्म सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड वोल्टेज के कंपैरिजन कम है। रीज़न क्योंकि आई नॉट की वैल्यू यू नॉट अपॉन आर, यानी कुछ डिवाइड हो करके वैल्यू आ रही है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड कम है। इसी तरीके से जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, ये देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो एस सी आर टू इस समय फॉरवर्ड, पूरा यहाँ से एस सी आर टू तो फॉरवर्ड बायस में रहेगा ना, लेकिन एस सी आर टू फॉरवर्ड बायस में होने के कारण भी टर्न ऑन नहीं होगा, उसको अल्फा डिग्री यानी कि पाई प्लस अल्फा डिग्री, यहाँ पे पाई प्लस अल्फा डिग्री पर क्या करेंगे, एस सी आर टू को टर्न ऑन करेंगे, जिसके कारण आपका एस सी आर टू, जिसके कारण जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से हमें मिलना शुरू होगा, और यहाँ पे मतलब कि पूरी हाफ साइकिल कंप्लीट होने पे पूरी मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा टू पाई प्लस अल्फा, यानी यहाँ पे फायर करके हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। करंट, ये करंट को डॉटेड लाइन करंट को दिखाता है और इसका मैग्नीट्यूड कम होता है, और ये आपके हैं सोर्स के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यूँ है, नेगेटिव हाफ साइकिल में यूँ है, क्योंकि जब आउटपुट वोल्टेज में वेवफॉर्म चेंज हो रहा है तो करंट में भी है। तो ये था आपका आईसी का टॉपिक, इस चीज़ को समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।